नमस्कार छात्रों, आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक वर्क स्टडी अर्थात कार्य अध्ययन का अध्ययन करने जा रहे हैं। व्हाट इज वर्क स्टडी अर्थात कार्य अध्ययन क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। यह किसी कार्य में की जाने वाली क्रियाओं के तरीकों का व्यवस्थित परीक्षण है, जिससे संसाधनों के प्रभावी उपयोग को उन्नत किया जा सके यानी इम्प्रूव किया जा सके, तथा की जाने वाली क्रियाओं के लिए मानक प्रदर्शन अथवा निष्पादन का निर्धारण किया जा सके कि हम उसके लिए परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को हम उस स्थापित कर पाएं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय तकनीक या मैनेजमेंट तकनीक है, जिसका प्रयोग उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली क्रियाओं को उन्नत करने में किया जाता है। कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन द्वारा मनुष्यों एवं सामग्री के अनुकूलतम उपयोग में सहायता करना है। कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों अर्थात मानव सामग्री धन तथा मशीनरी के श्रेष्ठ एवं सर्वाधिक कुशल तरीके की खोज करना है इनको उपयोग करने के लिए। यह मुख्य रूप से उत्पादकता से संबंधित है, अर्थात जो वर्क स्टडी है वह प्रोडक्टिविटी से कंसर्न रखता है, उत्पादकता से संबंधित है। इसके द्वारा उपलब्ध संसाधनों से उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। कार्य अध्ययन अर्थात वर्क स्टडी को साधारणतया कार्यविधि अध्ययन अर्थात मेथड स्टडी एवं वर्क मेजरमेंट अर्थात कार्य समय मापन की तकनीकों के लिए सामान्य शब्द के रूप में काम में लिया जाता है, अर्थात वर्क स्टडी मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट के टेक्निक्स के लिए जेनेरिक टर्म यूज है करते हैं इसको। इन तकनीकों का उपयोग मानवीय कार्य का परीक्षण करने में किया जाता है। इनके द्वारा उन सभी कारकों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण किया जाता है जो दक्षता एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं एवं फिर उनमें सुधार किया जाता है, यानी उसमें सुधार करने के लिए हम उसको परीक्षण करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी अर्थात कार्य अध्ययन के लाभ क्या, उसके फायदे हैं। सर्वप्रथम, इसके द्वारा उत्पादकता एवं कार्यशील दक्षता में बढ़ोतरी होती है। अगर हम वर्क स्टडी को काम में लेते हैं तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कार्यशील दक्षता में उसमें बढ़ोतरी या वृद्धि होती है, उन्नति होती है। दूसरा इसी का एडवांटेज है रिड्यूस्ड मटेरियल कॉस्ट यानी सामग्री लागत में कमी आती है। वर्क स्टडी को काम में लेने पर जो हम फैक्ट्री में उत्पादन के लिए जो मटेरियल काम में ले रहे हैं उत्पाद को बनाने के लिए, उसकी मात्रा में भी कमी आती है, वेस्टेज वगैरह को हम कम कर पाते हैं। तीसरा है कार्यस्थल के लेआउट में विकास या सुधार होता है, इसके द्वारा बेटर मैन पावर प्लानिंग होती है और कैपेसिटी प्लानिंग की जाती है। फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज, कार्मिकों को उचित मानदेय दिया जाता है, कार्मिकों को बेहतर कार्य अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, कार्य प्रवाह बेहतर होता है। इस प्रकार से ये इसके कुछ फायदे हैं। प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी अर्थात कार्य विधि का प्रोसीजर यानी तरीका, उसकी क्या विधि है, किस प्रकार से वर्क स्टडी को लागू किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले सेलेक्ट या चुनाव करना, तो जिस भी जॉब या प्रोसेस को
या किसी क्रिया ऑपरेशन को जिसका हमें अध्ययन करना है, सबसे पहले उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। तो ये प्रथम पद है वर्क स्टडी का कि हम जॉब प्रोसेस या ऑपरेशन जिसका कि हमें अध्ययन करना है, परीक्षण करना है, उसको हम सर्वप्रथम सेलेक्ट करते हैं। इसी का दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड या अंकन करना। तो जो जॉब प्रोसेस या ऑपरेशन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, उससे संबंधित सभी तथ्यों का अंकन करना, रिकॉर्ड करना। यह रिकॉर्ड हम जो उचित चार्टिंग टेक्निक्स हैं, चार्ट की तकनीकें हैं, उनके द्वारा हम इनका अंकन करते हैं। जैसे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट्स आदि तकनीकें हैं, इनको हम प्रयोग में लाते हैं और उससे संबंधित सारे तथ्य हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा पद है एग्जामिन या परीक्षण करना। जो भी हमने फैक्ट्स तथ्य को रिकॉर्ड में लिया है, अर्थात उनका हमने अंकन किया है, उनको बहुत ही क्रिटिकली उनका एग्जामिनेशन करना या उनका परीक्षण करना, बहुत ही गहराई तक उनका परीक्षण करना। इसमें हम जो परीक्षण करते हैं हम, वो उसमें इन पर्पज क्या उसकी ज़रूरत है, ऐसा उसका क्वेश्चन करना, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन, या जो कार्य किया जा रहा है, जॉब प्रोसेस या ऑपरेशन को बनाने का तरीका है, उन पे हम क्वेश्चंस करते हैं, उन पे प्रश्न पूछे जाते हैं और उस आधार पे हम उसको एग्जामिन करते हैं। विभिन्न क्वेश्चनों के आधार पे उनका हम उत्तर निकालते हुए उसको एग्जामिन करते हैं। चौथा पद है डेवलप करना या उन्नत करना। तो जो सेलेक्टेड जो प्रोसेस या ऑपरेशन है, उसके लिए हम नए तरीकों की खोज करते हैं, नए तरीका विकसित करते हैं, उन्नत करते हैं। पांचवा पद आता है मेजर द वर्क कंटेंट यानी मापन। जो कार्य जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको, उसका मापन करना और स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय को एस्टेब्लिश करना, मानक समय की स्थापना करना, ताकि वह सभी पर लागू हो सके। इसके लिए हम उचित वर्क मेजरमेंट टेक्निक या कार्य मापन तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम किसी भी किए जाने वाले कार्य को के लिए हम मानक समय की गणना कर सकें, माप सकें उसको। छठा पद है डिफाइन। तो जॉब प्रोसेस या ऑपरेशन के लिए नए तरीकों को परिभाषित करना, जिसको कि हमने डेवलप किया है उसको शब्दों में परिभाषित करना। उसके बाद इंस्टॉल द न्यू मेथड एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, अर्थात जो नया तरीका जिसको हमने विकसित किया है उसको मानक कार्य या मानक रूप से वह श्रमिकों के बीच में, कार्मिकों के बीच में स्थापित करना, जिससे कि वो उस नए तरीकों को काम में लें। और अंतिम पद है मेंटेन द न्यू मेथड फॉर द जॉब प्रोसेस ऑपरेशन, यानी जो नया तरीका हमने जॉब प्रोसेस या ऑपरेशन के लिए जो विकसित किया और जिसको हमने इंस्टॉल किया है, स्थापित किया है, उसको बनाए रखना लंबे समय तक, क्योंकि कार्मिकों की आदत होती है कि वह नए को जल्दी से स्वीकार नहीं पाते और वो पुरानी रीति या पुराने तरीकों को की तरफ वापस लौट जाते हैं। तो कुछ समय बाद वह वापस पुराने तरीकों से कार्य नहीं करने लग जाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो नए तरीका जो हमने विकसित किया है वर्क स्टडी के द्वारा, उसको मेंटेन करना, यह भी एक बहुत बड़ा पद है यहाँ पे प्रोसीजर में, जिससे कि जिस पर कि वर्क स्टडी की सफलता निर्भर करती है। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अर्थात उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य अंतर। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उत्पादन से हम जो भी आउटपुट यानी जो उत्पाद हो रहा है उसकी मात्रा, चाहे वह गुड्स हैं या कोई सर्विस सेवाएं हैं, उनकी जो उत्पाद की मात्रा से हम उसको मापते हैं उत्पादन को। अर्थात कोई इंडस्ट्री है, वो एक
साल में 1000 प्रोडक्ट बनाती है तो हम उसका प्रोडक्शन 1000 यूनिट बोलते हैं, तो उससे हम उसका मापन करते हैं। या उदाहरण स्वरूप नेशनल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा हम उसको मेजर करते हैं। या जैसे कोई ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके प्रोडक्शन को हम उसके इंडेक्स द्वारा हम निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रोडक्शन को मेजर करते हैं या उत्पादन को मापन करते हैं। जबकि प्रोडक्टिविटी उत्पादन के जो कारक हैं उनकी एफिशिएंसी यानी दक्षता का एक मापन है, अर्थात कितनी दक्षता से हम किसी भी उत्पादन को कर रहे हैं वह प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इसको मापने के लिए हम प्रति व्यक्ति जो हमने वहाँ कार्य कर रहा है उसके द्वारा कितना आउटपुट आ रहा है उस पे को उसके द्वारा हम इसका मापन करते हैं। और आउटपुट पर पर्सन आवर यानी एक घंटे में एक व्यक्ति कितना उत्पाद दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वह प्रोडक्टिविटी कहलाता है। किसी भी उत्पादन में वृद्धि का मतलब हमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी या उत्पाद में वृद्धि हो गई है। यह जो उत्पाद है वह उत्पादन में कितने कारक कितने घटक काम में लिए जा रहे हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है उनका जो उपयोग कर रहे हैं उस पे निर्भर करता है। या उन उत्पादों को जो कि एक्स्ट्रा आउटपुट देने में काम में आ रहा है उस पे उत्पाद निर्भर करता है। अगर हमने कोई आउटपुट बढ़ाने के लिए कुछ और फैक्टर 5 की जगह 10 मशीनें लगा दी तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। अगर हम उन्हीं 5 मशीनों से ज़्यादा उत्पाद करते पहले के मुकाबले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती बड़ी भी मानी जाएगी, ना कि मशीनों की संख्या बढ़ाने से उत्पादन बढ़ने का। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन को जो बढ़ाने के जो तरीके हैं जो एक्स्ट्रा आउटपुट उनके कौन से कारक हैं कौन से घटक हैं उनको किस रूप से हमने कार्य में लिया है ये उसको यूटिलाइज किया है उस पर ये प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट यानी जो प्रोडक्टिविटी उत्पाद जो है उसको उत्पादकता को इम्प्रूव या उसमें वृद्धि करने के लिए कौन से कारक हैं किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं वो ये दिखाया गया है। जो फैक्टर्स हैं इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है धन निवेश किया गया है उस पर जो निर्भर करता है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी तकनीक में जो काम में पैसा इन्वेस्ट किया गया है धन निवेश किया गया है उस पर डिपेंड करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट उपकरणों पे धन निवेश जो हुआ है या फैसिलिटीज पे जो हुआ है वह फैक्टर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट करती है। जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं वर्कफोर्स उनके ज्ञान और उनकी स्किल दक्षता पे भी यह प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता निर्भर करती है। और यह जो दक्षता है या वर्कफोर्स को जो नॉलेज आता है वह ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तो इस पे भी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट निर्भर करती है। अगर ये ज़्यादा होगा नॉलेज या स्किल तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तकनीकों में जो परिवर्तन यानी अगर हम पुरानी तकनीक को छोड़ के कोई नई तकनीक अपनाते हैं जो कि प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा देती है कम समय में ज़्यादा उत्पाद देती है तो उत्पादकता को इम्प्रूव करेगी तो ये एक बड़ा फैक्टर है। वर्क मेथड्स कार्य करने के तरीके जो हैं उस पर निर्भर करता है। प्रोसीजर्स जो विधियाँ काम में ली जा रही हैं उस पर इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी का निर्भर करता है। सिस्टम्स जो काम में लिए जा रहे हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रख रहे हैं उस पर भी
प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट निर्भर करता है, फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तो जनरल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, सोशल एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इस तरीके से यह उन पर निर्भर करता है। इन सारे जो बिंदु दिए गए हैं, अगर इनको सही से काम में लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। धन्यवाद।